नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूँ शिवानी। मेरा नाम कुणाल भारद्वाज। तो वेलकम आपका हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है रिएक्शन रिएक्शन वाला वाला कपल। कपल। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है टॉप 10 प्लेस टू विजिट इन गुजरांवाला। गुजरांवाला तो, और ये वीडियो है एप्रिकॉट वंडरर्स की, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो प्लीज़ आप इनका चैनल वॉच आउट करें। तो देखते हैं स्टार्ट आप। करते हैं गाइस। गुजरांवाला पंजाब का एक सनती शहर है जो कि सतह समंदर से 744 फीट ऊपर मौजूद है। गुजरांवाला आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सातवां बड़ा शहर है। गुजरांवाला को पहलवानों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको गुजरांवाला में मौजूद 10 ऐसे मकामात के बारे में बताएंगे जो यहाँ पर आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज है। नंबर 1, फन दुनिया पार्क गुजरांवाला। यह तफरीही पार्क एक ऐसी जगह है जो फैमिलीज को पिकनिक पॉइंट की तरफ रागिब करती है। फन दुनिया पार्क गुजरांवाला पाकिस्तान के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में तफरीही पार्क का सिलसिला है, जिसमें सनसनीखेज सवारियां, बच्चों की सवारियां, बड़े पैमाने पर इंडोर कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। नंबर 2, निशाने मंजिल। निशाने मंजिल बुनियादी तौर पर शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर गुजरांवाला गैरिजन में वाकया है। ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन पार्क है। छोटे बच्चों के स्कूल के ट्रिप्स इस जगह को देखने को तरजीह देते हैं। नंबर 3, गुलशन इकबाल पार्क। गुलशन इकबाल पार्क गुजरांवाला के लोगों के लिए एक वाहिद पार्क है जो अपनी फैमिली के साथ आउटडोर का लुत्फ उठाना चाहते हैं। बच्चे इस पार्क में झूलों, ट्रेन और दीगर सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होते हैं। गुलशन इकबाल पार्क में जॉगिंग और पिकनिक के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी मौजूद है। ये इस शहर का मरकजी पुरकशिश मकाम है जो सयाहों को अपनी खूबसूरती से अपनी तरफ राग़िब करता है। नंबर 4, क्लॉक टावर। क्लॉक टावर गुजरांवाला की उन कदीम यादगारों में से एक है जो आज भी बरतानवी राज के दौर से कायम है। इसे बरतानवी हुकूमत ने 1906 में तामीर करवाया था। ये गुजरांवाला की सबसे मारूफ इमारत है। नंबर 5, लाहौरी गेट। ये बुनियादी तौर पर शहर के कदीम बाजारों का दाखिली रास्ता है। बाजार के मकामात आपको उस वक्त के शहर की याद दिलाते हैं जो कि रंजीत सिंह ने बनाया था। यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं जिनमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग्स और क्रॉकरी का सामान शामिल है। नंबर 6, शेरांवाला बाग। गोगा पहलवान का शहर, जिसमें ऑल इंडिया पाकिस्तान रेसलिंग मास्टर का शेरांवाला बाग में एक ट्रेनिंग सेंटर है, जिसकी वजह से यहाँ मुख्तलिफ किस्म के अखाड़े मौजूद हैं। गुजरांवाला शहर अपने पहलवानों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप गुजरांवाला में हैं तो आप इस मशहूर अखाड़ा लड़ाई को नहीं छोड़ना चाहेंगे। नंबर 7, सियालकोटी गेट। अंग्रेजी सल्तनत के दौरान एक और तारीखी इमारत ब्रेंडरेट गेट वजूद में आई। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका नाम सियालकोटी गेट रख दिया गया। बाजार के अंदर कोई भी आसानी से 1800 के दौर की इमारतों का मुशाहिदा कर सकता है। यहाँ पर इनकी असली और पुरानी रंग देखे जा सकते हैं। नंबर 8, गुरुद्वारा रोड़ी साहब। अच्छा लग रहा है। गुरुद्वारा रोड़ी साहब एक गुरुद्वारा है जो शहर से 12 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में वाकया है। ये गुरुद्वारा सिखों के लिए एक अहम मकाम है। इसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में तामीर किया गया था। ये रूहानियत का हैरत अंगेज माहौल पेश करता है। नंबर 9, रंजीत सिंह हवेली। ये हवेली 236 साल पुरानी है जो मछली मंडी के कॉर्नर में वाकया है। ये एक मारूफ सिख शहनशाह महाराजा रंजीत सिंह की जाय पैदाइश है, जिसने 19वीं सदी में शुमाल मगरबी बर्र सगीर पर हुक्मरानी की थी। नंबर 10, दर्जियां वाली कोठी। कॉलेज रोड पर वाकया ये इमारत अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। जब भी आप कॉलेज रोड से जा रहे हो तो ये हैरत अंगेज इमारत आपको अपनी तरफ रागिब करती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कैसा लगा पहलवानों का शहर गुजरांवाला? बढ़िया। अच्छा, क्या गुजरांवाला में अहमदाबाद है? अहमदाबाद वो गुरुद्वारा अहमदाबाद में स्थित है। ऐसा कब बोला? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बोला होगा। हाँ गाइज, ये पहली बात तो गाइज थोड़ा साउंड में थोड़ा कुछ
पंगा था, हाँ। कम ज़्यादा हो रही थी, फ्लक्चुएट कह सकते हैं तरह से वो हो रही थी, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर रहे हैं कि ओरिजिनल साउंड ही ऐसी है इसमें। हमें हम पहले वीडियो देखते नहीं, अगर देखते तो फिर ऐसी वीडियो करते नहीं, हाँ। और अगर पहले देख ले तो फिर रिएक्शन का मतलब ही क्या है, तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना, हाँ। साउंड थोड़ी ऐसी है, जैसी भी है प्लीज़ काम चला लेना अब की बार। तो पहलवानों का शहर गुर्जा वाला, फर्स्टली तो आते हैं उस पार्क्स, दो तीन पार्क थे, हाँ, दो तीन पार्क बताए। एक तो क्या था, दुनिया, फन दुनिया, फन दुनिया, हाँ वो था, क्या कहते हैं, एडवेंचर, एडवेंचर लैंड था वो, एक तरह से एडवेंचर पार्क था, एडवेंचर पार्क कह ली, झूले वूले मजे करने, हाँ। तो ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए, और ऐसे दो पार्क और थे, हाँ ऐसा होना भी चाहिए, बंदा ना बोर हो जाता है तो अपना घूमो फिरो मजे करो झूले खाओ, तो ये तो मस्ट है, होना भी चाहिए। और एक और था जो मैंने पहली बार ही देखा, दो पिलर थे पार्क के अंदर, दो बड़े बड़े से पिलर टाइप थे, निशाने कुछ, निशाने मीनार या ऐसे कुछ था, नाम पता नहीं गाइस क्या है, तो वो काफी अच्छे लग रहे थे यार दोनों, ऐसे 45 के एंगल पे ऐसे सीधे खड़े थे, काफी अच्छे लग रहे थे वो दोनों, बढ़िया। और वो भी पार्क ही था ना, वो भी कोई पार्क था, यस। और उसके बाद इन्होंने गुरुद्वारा दिखाया, गुरुद्वारा काफी अच्छा लग रहा था वो, और मुझे लग रहा महाराजा रणजीत सिंह का काफी ज्यादा होगा यहाँ से ताल्लुक कह लो, क्योंकि बहुत कुछ है, उनकी हवेली भी यहाँ पर है, उनके बनाई हुई गुरुद्वारा भी यहाँ पर है, और क्या था, गुरुद्वारा हवेली और दो गेट्स थे, एक तो लाहौरी गेट, ये तो मतलब हर कहीं होता है, हाँ। मतलब दिल्ली में भी लाहौरी गेट है, लाहौर में तो दिल्ली गेट होगा, और गुजरांवाला में लाहौरी गेट है, और लाहौर में दिल्ली गेट है, दिल्ली में लाहौरी गेट है, और हमारे पंजाब में दिल्ली गेट है। जो मेरे नानके हैं मलेरकोटला पंजाब, वहां मैं गया था, तो मैं बाजार में घूम रहा था, वहां दिल्ली गेट है, तो अलग अलग जगह गेट बने हुए हैं, और बहुत जगह होगा ऐसे, मैं तो ज्यादा पंजाब घूमा नहीं, ज्यादा बाजार गया नहीं पंजाब में, जहाँ गिने चुने गया हूँ, तो दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, और सारे एक जैसे ही बने होते हैं, बाजार जैसे। अब ये लाहौर गेट को देख करके ऐसी फीलिंग आई थी कि ऑलरेडी देखा होगा। अभी अभी थोड़ा दिल्ली में थोड़ा अभी तो चलो थोड़ा बुरा हाल चल रहा है कोरोना की वजह से, अगर सब कुछ ठीक हो गया ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक बार ना, मैं आपको पुरानी दिल्ली की सैर कराऊंगा एक बार, पुरानी दिल्ली दिखाऊंगा कैसे है, आप कहोगे भाई ये तो सेम टू सेम लाहौर है, वैसे ही पुराने डेढ़ डेढ़ 200 साल पुराने घर बने हुए हैं, वैसे ही छोटी गलियां, वैसा ही गेट बने हुए हैं, सब कुछ वैसा ही है, आर्किटेक्चरल सेम है ऑलमोस्ट। और कितने 256 वगैरह समथिंग साल पुरानी पुरानी है इमारतें, बहुत है, 250-300 साल पुरानी, हाँ। चीजें हैं, बहुत है, हाँ। वो हवेली भी इतनी पुरानी थी, वो तो जब महाराजा रणजीत सिंह करते थे, वो कब थे ना, 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी में थे, वो 18 समथिंग कुछ में थे, अच्छा, तो उन्होंने बनाया पार्क वगैरह को छोड़ के जो भी दिखाया ना, काफी पुराना पुराना लग रहा था, और देखो तब से लेके अब तक बिल्कुल ऐसे ही कायम होता है ना, गुरुद्वारा भी पुराने टाइप का लग रहा था, हाँ, तो उन्होंने तो बनाया हुआ था रणजीत सिंह ने, 250 साल पुराना गुरुद्वारा, और अच्छा लग रहा था यार देखने में, अच्छा लग रहा था, बट वो सिटी से 12 किलोमीटर दूर था, ऐसा कुछ था। और एक चीज और, हाँ गाइस, क्लॉक टावर, ये हर कहीं होता है क्लॉक टावर, हमारे घर से 3 किलोमीटर या 3 या 3.5 किलोमीटर दूर है क्लॉक टावर, हिंदी में कहे तो घंटा घर, उसे घंटा घर बोलते हैं इंग्लिश में। और जो लाहौर गेट की जो शॉप्स वगैरह थी, वो मार्केट थी, क्या कहते हैं, 1800 साल पुरानी है ये, 1800 सेंचुरी की होगी, 1800 सेंचुरी, हाँ मतलब 1800 सदी की होगी, जैसे अब 2000 चल रहा है ना, 200 साल पुरानी दुकानें होंगी, अच्छा अच्छा, हाँ 1800 साल पहले, बता कितना, हाँ, हो गया 200, अच्छा वही हो गया 200 साल पुराना, 2 साल पुराना हो गया। तो हाँ गाइस, मैं कह रहा था घंटाघर के बारे में, घंटाघर में जाना, मतलब अंग्रेजों ने जहाँ पूरे, पहले तो पूरा पूरा वही था, पूरा हिंदुस्तान टाइप ही था, वहाँ जो अंग्रेजों ने शासन किया, यहाँ भी बनवाए, यहाँ वहाँ भी बनवाए, हर कहीं बना दिया क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है, और उसकी हालत मुझे पता नहीं स्टोरी कितना साल पुराना है, वो कैसे है, बट इतना होगा कि आज़ादी से तो पुराना है वो, 1947 से तो पहले का ही है वो, पर जो भी हो थोड़ा बहुत ही टूटा फूटा होता है, अदरवाइज तो सेम वैसे ही खड़े होते हैं, जगह भी वही होता है, मतलब एकदम चौक पे बनाते हैं, चार रोड जा रहे होता है चौराहा, हाँ। और एकदम बीच में बनाते हैं घंटाघर, सही है, सही है।
चलो कुछ काम तो किया उन्होंने ना से तो। हाँ दो तीन काम अच्छे किए उन्होंने अंग्रेजों ने, जो मैं उनको मानता हूँ, बाकी तो बहुत काम बुरे किए उन्होंने। एक तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई है सब कॉन्टिनेंट पे, ये उनका पहला अच्छा काम है। दूसरा उनका अच्छा काम है उन्होंने एरीगेशन सिस्टम किया है, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा किया है और इंडिया में भी किया हुआ है। दो ये और भी छोटे मोटे काम होंगे बट ये दो काम मेन है, रेलवे और एरीगेशन का पानी वाला सिस्टम, वो दो चीज। तो बढ़िया था गुजरावाला। गुजरावाला मेरे नाना जी रहा करते थे। गुजरावाला अच्छा, पंजाब में है ना ये? पता नहीं मुझे, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में पंजाब है। अच्छा पंजाब, पंजाब देखो इतना बड़ा था, पंजाब का जो बड़ा हिस्सा ना वो पाकिस्तान में है। अच्छा जो पंजाब का छोटा हिस्सा वो इंडिया में है। तो बड़ा पोर्शन पंजाब का पाकिस्तान में गया, छोटा पोर्शन इधर है, इधर है। ऐसे तो फैसलाबाद ये भी पंजाब में है, लाहौर तो जो पंजाब की मेन जान है वो लाहौर ही है। ठीक है और भी बहुत सारे हैं, शायद सियालकोट भी पंजाब में। सुनने में तो ऐसे ही लगता है जैसे पंजाब में होगा। चलो सियालकोट पर भी करेंगे, पता लग जाएगा कहाँ पर है फिर। बाकी गुजरावाला तो मेरे हिसाब से पंजाब में है, इन्होंने बताया था मेरे को लगता है, इन्होंने बताया। गाइस आप बताना गुजरावाला कहाँ है, मे बी पंजाब में है या कहाँ है, मेरे को तो पंजाब में ही लगता है। तो अच्छा है गाइस, मज़ा आया। हाँ और तो कुछ बस अच्छा था, देखकर बढ़िया लगा, मतलब नॉलेज तो मिलती रहती है। खैर तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर। प्लीज़ इनको सब्सक्राइब आप करिए, एप्रिकॉट वंडरस, अच्छा काम किया इन्होंने। और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हमारी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।